शाहपुर पुलिस तथा स्वात टीम ने संयुक्त रूप से इनामी बदमाश सानू यादव पुत्र स्वर्गीय गजेंद्र यादव निवासी हट्टी माई स्थान थाना कोतवाली के साथ एक महिला आरोपी आकांक्षा यादव पत्नी शानू यादव को भी गिरफ्तार किया है, जो पकड़े गए इनामी बदमाश की पत्नी है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से पुलिस ने 3 पीस सोने की चेन, 400 ग्राम गांजा और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया कि शानू यादव पर विभिन्न थानों पर लगभग 18 मुकदमे दर्ज हैं। ये शातिर किस्म का अपराधी है जिसके गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित हुआ था। इसके पास लूट की चेन बरामद हुई है जो इसकी पत्नी पहनती थी और उसे ही ये जानकारी थी कि ये चेन लूट की है, इसलिए उसकी पत्नी को भी अभियुक्त मान लिया गया। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए आगे जानकारी दी। उन्होंने बताया आज भोर में प्रभारी निरीक्षक शाहपुर एवं स्वाट टीम के द्वारा 15,000 रुपए का पुरस्कार घोषित इनामी अपराधी राहुल यादव और शानू यादव, जो जनपद का शातिर लुटेरा और चैन स्नेचर है, इसकी ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी की गई। इससे 3 सोने की चेन बरामद हुई है और कुल 6 लूट की घटनाओं का खुलासा हुआ और इसका लंबा चौड़ा अपराधिक इतिहास है और 1 लूट की चेन इसने स्वीकार किया था कि इसकी पत्नी के पास है, जो उसकी पत्नी पहनी हुई थी, उसे बरामद किया गया और इसी में इसकी पत्नी को भी अभियुक्त बनाया गया। यह इसका एक फाइल है, इसका साथी है राकेश, उनका ट्रांसपोर्ट नगर का रहने वाला है। ये दोनों लोग मिल के ऑपरेशन करते थे, चेन स्नैचिंग करते थे या मोबाइल लूटते थे। राकेश कल गिरफ्तार, आज के ऑपरेशन में गिरफ्तार नहीं हो पाया, वो फरार हो गए। इनकी पत्नी के पास लूट का सामान बरामद हुआ है, लूटी गई चेन इसकी पत्नी पहनती थी, इसने अपनी पत्नी को दे दिया था। हाँ, ये जानकारी होते हुए कि ये सामान या चेन जो है लूट की है, उसने उसको धारण किया हुआ था, तो इस तरह से वह 411 IPC का कर दिया। हाँ, ये भी कह सकते हैं।